द फिल्म एनिमल डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा हैज़ अराइव्ड ऑन द बिग स्क्रीन. रणवीर कपूर स्टारर फिल्म हैज़ ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एडवांस बुकिंग. इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म ऑफ दिस ईयर. रणवीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल वॉज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ 2023. Finally, today this film has reached theaters. Ever since the trailer of the film was released, people were crazy about it and were eagerly waiting for its release. After all, now that the film has been released in theaters, a huge crowd of spectators is being seen in the theater to watch Animal on the first day. Along with this, people who watched the first day first show has also started sharing review of the film on social media. Let us know how people liked Ranveer Kapoor's Animal. मैंने मूवी देखी एनिमल और मैं स्पीचलेस हूँ बिल्कुल. मेरे पास वर्ड्स नहीं है. माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटाबुलस, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये मूवी के लिए, मतलब फिनोमिनल. कहते हैं इस फिल्म में लव, एडवेंचर, एक कैरेक्टर को बहुत बारीकी से बहुत ही ज़्यादा. मुझे लग रहा था कि मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका ड्यूरेशन, रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट. बट कैसे शुरू होगी, कैसे ख़त्म होगी, आप भूल जाएंगे बिल्कुल. यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. और रणबीर कपूर का तो रोल जो उन्होंने प्ले किया है, आई थिंक वो नेशनल अवार्ड जीत जाएंगे ये रोल के लिए. सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं अनिल कपूर और बॉबी देओल, जो कि उनकी एज लेके काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है. इतने ज्यादा इसमें इतने यंग दिख रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस आपको कितने दमदार लगी? अनिल कपूर तो है ही एक वर्सेटाइल एक्टर. इतने सालों से वो 40 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहना है. बहुत ही लाजवाब एक्टर है वो, और इस मूवी में भी उनका रोल बहुत अच्छा है. और रश्मिका मंदाना, ओ माय गॉड, उनका भी रोल बहुत अच्छा है. दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है कि जलजला मचा दे बिग स्क्रीन पे. बहुत बढ़िया थी, बहुत बॉलीवुड में अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी रही है मेरे ख्याल से. काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी से. 5 स्टार बहुत कम है इस मूवी के लिए. काफ़ी अच्छा डेब्यू है. बहुत प्यारी है. यहाँ से रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को एडवाइस भी मिल सकती है और लोगों को काफ़ी देखने की ज़रूरत है इस मूवी. रणवीर और रश्मिका का केमिस्ट्री कैसा लगा? बहुत अच्छा था, एक नंबर. बहुत सारे बड़े नाम थे, अनिल कपूर, बॉबी देओल, उन सबके कैरेक्टर कैसे लगे आपको? मुझे ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी लगी. सारे कैरेक्टर्स भी अच्छे थे और रणवीर कपूर और रश्मिका और जो भी बाकी के एक्टर्स थे, एवरीबॉडी वाज परफॉर्मिंग एंड डूइंग द बेस्ट जॉब्स. एंड इट्स अ बेस्ट वर्क ऑफ रणवीर कपूर टिल येट. एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट फिल्म. इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती, तो आई मस्ट टेल यू दैट गो एंड वॉच दिस फिल्म. 3 आवर्स लगता नहीं है इतना लेंदी जितना हमको पढ़ के लगता है, बट डेफिनेटली अच्छा था. उनको थोड़ा ज्यादा रोल देना चाहिए था. रणवीर कपूर ही लग रहा था. रश्मिका मंदाना फुल वाइल्ड था. इंडियन क्रश मानी गई है, तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी रणवीर के साथ? उनकी केमिस्ट्री ठीक लगी थी, इतनी इतनी खास नहीं थी. और कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत बढ़िया, इट्स एन अमेजिंग फिल्म. रश्मिका एंड रणवीर की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस. और इस फिल्म की बात करें, बहुत सारे बड़े नाम जुड़े हुए हैं, अनिल कपूर एंड बॉबी देओल, उनकी कैरेक्टर कैसा लगा आपको? वेरी नाइस. बाप बेटे का जो केमिस्ट्री है वो बहुत निखर के आए, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. और क्या बोलूँ मैं, बस एक जो केतरी जी जो अडल्ट रणबीर कपूर ने बोला था वो दिखाया गया है फिल्म में. लेकिन इट्स कनेक्टेड एंड इट्स समथिंग लाइक यू पीपल, ऑल नॉर्मल पीपल कैन फील इट, दैट कि एक बाप बेटे का क्या होता है लास्ट में, वो समझाया जाता है. और बस इस फिल्म को ज़्यादा दिल पे मत लेना, बहुत खून खराब है, बहुत ज़्यादा है. बस मूवी तक ही सीमित रखो, बाहर जाके ज़्यादा वो सब मत करना और पागलपन मत करना. Let's see how many stars the public want to give to this film. मैं दूंगा 5 out of 5. इट्स अ मास्टरपीस, देखने की जरूरत है इस मूवी को. 5 स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार कम पड़ रहे भाई. थैंक यू. 4 स्टार. थैंक यू. 5 सेकंड. 4.5 out of 5. 5 out of 5. और क्या कुछ कहना चाह देना चाहेंगे? नो स्टार, लाइक व्हाट आई स्टेटेड अर्ली ऑन, एक फिल्म बनने में बहुत मेहनत लगता है. कोई स्टार रही है, एवरीवन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. आई विश एवरीवन अ गुड लक एंड कम एंड वॉच दिस फिल्म. थैंक यू.